Hello student, today we are reading chapter number 12. In this chapter our next topic is the Rajput. So इस टॉपिक में हम राजपूतों के उद्भव या राजपूतों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति एवं उदय के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. द राजपूत. सिंस द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज नॉट कंफर्म, सो स्टूडेंट्स डिफर ऑन दिस सब्जेक्ट वाइडली. शुरू से ही इतिहास का राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक मत नहीं है, और इस कारणवश राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत हैं. सम रिगार्ड्स राजपूत एज डिपेंडेंट ऑफ एंशिएंट क्षत्रिय रूलिंग फैमिलीज. कुछ मानते हैं कि राजपूत वंशज हैं प्राचीन क्षत्रिय परिवार से जिन्होंने की भारत पर शासन किया था, यानी ऐसे क्षत्रिय वंश या परिवार जिन्होंने भारत पर शासन किया था, राजपूत उन क्षत्रिय परिवारों के वंशज हैं. सम क्लेम दे आर डिकेटेड फ्रॉम सूर्य वंश और द सोलर रेस. कुछ मानते हैं कि उनके या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो सूर्य वंश या सूर्य कुल से उत्पन्न हुए हैं या सूर्य कुल के वंशज हैं. अदर क्लेम टू हैव डिकेटेड फ्रॉम चंद्र वंश और द लूनर रेस. अदर क्लेम टू हैव डिकेटेड फ्रॉम चंद्र वंश और द लूनर रेस. ठीक है, कुछ मानते हैं कि वो चंद्रवंश या चंद्रमा के कुल से उत्पन्न है, यानी कुछ इतिहासकार राजपूतों को सूर्य वंश या सूर्य कुल से उत्पन्न मानते हैं और कुछ इतिहासकार उन्हें चंद्रवंशी या चंद्रमा के कुल से उत्पन्न मानते हैं. अनदर ट्रेडिशन इज दैट दे बिलोंग टू अग्निकुल. एक अन्य परंपरा है जिसमें उन्हें अग्निकुल से संबंधित माना गया है. यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई है. द अग्निकुल ओरिजन डिवाइड्स राजपूत इनटू फोर क्लास, नेमली प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान. द अग्निकुल ओरिजन डिवाइड राजपूत इनटू फोर क्लास, नेमली प्रतिहार, परमार, चालुक्य एंड चौहान. चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति मानी गई है, जिनके नाम हैं प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान. इन ऑल देयर वर नो लेस देन 38 राजपूत क्लास, और कुल मिलाकर 38 से कम राजपूत वंश भारत में विद्यमान नहीं थे. अमंग द फेमस राजपूत डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम 8 टू 12 सेंचुरी वर प्रत्यार ऑफ गुजरात एंड गुजरात एंड कन्नौज, परमास ऑफ मालवा, चंदेल्स ऑफ गुजराव, चौहान्स ऑफ अजमेर, गुइल्स इन मेवार, सोलंकी इन काठियावाड़ एंड तोमर इन हरियाणा एंड दिल्ली. जो प्रसिद्ध राजपूत वंश है जिन्होंने भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में शासन किया, वो है प्रतिहार वंश जिन्होंने गुजरात और कन्नौज में शासन किया, परमार वंश ने मालवा क्षेत्र में शासन किया, चंदेलों ने गुजराव के क्षेत्र में शासन किया, चौहानों ने अजमेर में शासन किया, गुहिलों ने मेवाड़ के क्षेत्र में शासन किया, सोलंकियों ने काठियावाड़ के क्षेत्र में शासन किया, और तोमर वंश ने हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र पर, यानी तोमर वंश ने
तोमर वंश ने हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया। इन तोमरों ने हरियाणा और दिल्ली के वंश पर शासन किया। द गुर्जर प्रतिहार असेंडेड टू पावर इन अवंती, अवंती राजस्थान नियर जोधपुर इन इन द गुर्जर प्रतिहार असेंडेड टू पावर इन अवंती, अवंती इन अवंती राजस्थान नियर जोधपुर इन अबाउट 725। गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता स्थापित की या गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया अवंती नाम, अवंती नामक जगह जोधपुर के निकट अवंती नाम स्थान पर, जोधपुर जो राजस्थान में है और जोधपुर के निकट अवंती नाम स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों ने 725 ईस्वी में अपनी सत्ता को स्थापित किया। 725 ईस्वी में अपनी सत्ता को स्थापित किया। देवर देवर स्मॉल चीफ्स, देवर स्मॉल चीफ्स बट ग्रेजुअली गोस टू पावर, वे छोटे सामंत हुआ करते थे, यानी गुर्जर प्रतिहार लोग, गुर्जर प्रतिहार लोग छोटे सामंत हुआ करते थे किंतु किंतु धीरे धीरे, यानी पहले वह छोटे सामंत हुआ करते थे किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। दे फर्स्ट रोज टू पावर आफ्टर डिफीट, आफ्टर डिफीटिंग द अरब हु रूल्ड द सिंध, हु रूल्ड द सिंध, उन्होंने सबसे पहले अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, यानी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया कि उन्होंने सिंध में अरबों को पराजित किया। सिंध के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में अरबों को पराजित किया गुर्जर प्रतिहारों ने, और इस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, यानी सिंध क्षेत्र से, सिंध क्षेत्र से, सिंध के क्षेत्र से अरबों को पराजित किया गुर्जर प्रतिहारों ने। देयर ग्रेट रूलर नागपर द्वितीय कैप्चर कन्नौज इन 725। उनका महान शासक नागपर द्वितीय, नागपर द्वितीय ने कन्नौज को 725 ईस्वी में प्राप्त कर लिया, या 725 ईस्वी में नागपर द्वितीय ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 725 ईस्वी में नागपर द्वितीय ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। एंड द रूल ऑफ दिस प्लान कंटिन्यू टिल 1019, एंड द रूल ऑफ दिस प्लान कंटिन्यू टिल 1019, द रूल ऑफ दिस प्लान कंटिन्यू टिल 1019, और इस वंश का शासन जारी रहा 1019 ईस्वी तक। द प्रतिहार रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्ट राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान एंड समटाइम्स अप टू कन्नौज, गुर्जर प्रतिहारों का शासन गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और कभी कभार कन्नौज तक पहुंच गया। मिहिर बोझ नाम का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी या सबसे प्रतापी शासक हुआ है, जिसका शासन 836 ईस्वी से 882 ईस्वी, यानी उसकी टाइमलाइन रही है, यानी 836 से 882 ईस्वी तक के मध्य मिहिर बोझ ने शासन किया है। और मिहिर बोझ गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रतापी गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ है मिहिर बोझ सबसे प्रतापी राजा हुआ है या शासक हुआ है गुर्जर प्रतिहार वंश का। द चंदेल रूल इन बुंदेलखंड डिवीजन विच दे हैड कैप्चर इन 8th सेंचुरी, चंदेलों ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन किया जो कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में प्राप्त किया। 5000 their rule extended over the region between नर्मदा इन द साउथ एंड यमुना इन द नॉर्थ, और 1000 ईस्वी तक चंदेलों का शासन दक्षिण में नर्मदा नदी तक, 1000 ईस्वी तक चंदेलों का शासन दक्षिण में नर्मदा नदी तक एवं उत्तर में यमुना नदी तक पहुंच चुका था। द चौहान हैड स्टेब्लिश्ड देयर किंगडम ऑफ अजमेर इन 8th सेंचुरी, चौहानों ने अपना साम्राज्य अजमेर में 8वीं शताब्दी में स्थापित किया।
and later also captured Delhi from Thomas in 12th century. और बाद में उन्होंने कोमरो से 12वीं शताब्दी में कोमरो से दिल्ली को भी प्राप्त कर लिया, यानी 12वीं शताब्दी में उन्होंने कोमरो से दिल्ली को भी प्राप्त कर लिया चौहानों ने। द सोलंकी वर चीफ ऑफ प्रदिया हु हैड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन द मिडिल ऑफ 10th सेंचुरी। सोलंकी जो कि सरदार या सामंत हुआ करते थे प्रतिहारों के, यानी सोलंकी सरदार या सामंत हुआ करते थे प्रतिहारों के, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था मध्य दसवीं शताब्दी में। सोलंकियों ने जो कि सामंत हुआ करते थे प्रतिहारों के, उन्होंने अपने आप को मध्य दसवीं शताब्दी में स्वतंत्र घोषित कर लिया था, यानी सोलंकियों ने अपने आप को मध्य दसवीं शताब्दी में स्वतंत्र घोषित कर लिया था, जो पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। थॉमस ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली वर स्मॉल रूलर्स एंड अंडर द प्रतिहार। तोमर हरियाणा और दिल्ली के छोटे शासक हुआ करते थे प्रतिहारों के अधीन, या प्रतिहारों के अधीनस्थ शासक हुआ करते थे तोमर हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र के, यानी हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र के जो तोमर थे वो प्रतिहारों के अधीनस्थ शासक हुआ करते थे, यानी प्रतिहारों के अधीन रहते हुए वो दिल्ली और हरियाणा का शासन चलाते थे तोमर लोग। दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस इन अर्ली 12th सेंचुरी व्हेन द प्रतिहार वर वीकेंड बाय कंटिन्यूअस फाइटिंग। और इन तोमरों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया जब बारहवीं शताब्दी में प्रतिहार कमजोर हो चुके थे लगातार युद्धों की वजह से। प्रतिहार जब कमजोर हो चुके थे तब, यानी लगातार युद्ध करने की वजह से प्रतिहार लोग जब बारहवीं शताब्दी में कमजोर हो चुके थे तब तोमरों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, यानी बारहवीं शताब्दी के दौरान जब प्रतिहार वंश के शासक थे लगातार युद्धों में व्यस्त रहे और युद्ध करने की वजह से वो कमजोर हो गए, और इस कमजोर स्थिति में तोमरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। देवर क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ दिल्ली का इन 736। देवर क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ दिल्ली का इन 736। उन्होंने दिल्ली की स्थापना की 736 ईस्वी में, कोमरों ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की। द परमार और पवार रूल्ड इन मालवा विद देयर कैपिटल एट धार नियर इंदौर। परमार ने अपनी परमार या पवार अपना शासन मालवा में स्थापित किया। परमार जिनको पवार भी कहा जाता था, इन्होंने अपना शासन मालवा में स्थापित किया और अपनी राजधानी धार स्थापित की। धार को अपनी राजधानी बनाया। धार जो कि इंदौर के निकट धार को परमारों ने अपनी राजधानी धार को अपनी राजधानी बनाया और मालवा में इन्होंने अपना परमारों ने अपना मालवा में अपना शासन स्थापित किया। एवं धार जो कि नियर द इंदौर एक जगह है, इंदौर के निकट धार जो जगह है उस धार को इन्होंने अपनी, यानी परमारों ने धार को अपनी राजधानी बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, साम्राज्य में प्रशासन। अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स अगला टॉपिक अपना, और इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।